जय श्री राधा कृष्ण। मैं जैसी हूँ वैसा ही अपना लिया था मेरे बांके बिहारी ने, जब दुनिया सलाह दे रही थी तब साथ दिया था मेरे बांके बिहारी ने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ किस किस को मेरे ठाकुर ने सहारा दिया है। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है बट कान्हा होते हैं वो साथ देते हैं। आपका क्या अनुभव है अभी कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब आप अगर कभी एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कभी ऐसा हो कि आप रात में कहीं गए हो और वहाँ आपको गली मकान लोग सब दिखे हो, पर जब सुबह या किसी और दिन गए हो तो वहाँ पे कुछ भी ना हो, हाँ? क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हो? किसी शहर से एक ही रात में गली गायब हो जाए, शहर गायब हो जाए, मकान गायब हो जाए, उस मकान के अंदर रहने वाले लोग भी गायब हो जाए और सुबह वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे, यकीन करना मुश्किल होगा ना, है ना? पर विश्वास करो ऐसा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सत्य घटना बता रही हूँ जिसके विषय में एक भक्त ने हमें बताया है। उन भक्त का नाम अर्पिता है, वो राधा कृष्ण की सच्ची भक्त है, प्रेमानंद जी महाराज को गुरु स्वरूप में पूजती हैं, बिहारी जी महाराज पर बहुत आस्था है उनकी, वृंदावन जाए तो बरसाना जरूर ही जाना है उन्हें। ज़्यादातर दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं कि सुबह का टाइम वृंदावन गए बिहारी जी के दर्शन के और शाम तक लौट भी आते हैं, बट हमारी अर्पिता जी चाहे कुछ भी हो जाए वृंदावन जाएंगी तो बरसाना अपनी राधा प्यारी से तो ज़रूर ही मिलकर आएंगी। बचपन से उनकी भक्ति राधा कृष्ण में बहुत ज़्यादा रही है, उनका पूरा परिवार ही भक्त है और शायद इसीलिए भी उन्हें राधा कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है, क्योंकि बच्चा जब शुरू से बचपन से भक्ति वाला माहौल देखता है ना तो भक्ति के गुण संस्कार उसके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। उनके जो कुल देवता हैं वो भी कृष्ण ही हैं। श्री राधा रमन जी मंदिर में ही उनके बच्चों के बाल उतरते हैं, जात लगती है। अब मैं आपको उनके जीवन की एक घटना बताती हूँ जिसे सुनकर मन आत्मा दहल जाएंगे। जब मैंने ये अनुभव सुना था तो विश्वास रखना 10 मिनट तक मैं एकदम सुन हो गई थी, अपने कान्हा की कृपा को मैं महसूस कर पा रही थी और मतलब मन इतना ज़्यादा भावुक हो रहा था क्या ही बताऊँ। इस अनुभव को सुनने के बाद आपका क्या हाल हुआ वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब मैं आपका उनको अनुभव बताती हूँ। अर्पिता जी का विवाह एक बहुत ही अच्छे कुलीन परिवार में हुआ है, उनके जीवन साथी बहुत अच्छे और पूजा पाठ करने वाले हैं, परिवार ज़्यादा समृद्ध नहीं है पर सब अच्छे से ही होता है। ठाकुर जी की कृपा और राधा प्यारी के आशीर्वाद से शादी के एक साल के अंदर ही अर्पिता जी के आंगन में किलकारी गूंजी और छोटे से नंदलाल ने उनका सूना जीवन खुशियों से भर दिया। अर्पिता जी की शादी दिल्ली जयपुर हाईवे के पास गुड़गांवा सेक्टर 138 में हुई है, वो इलाका भी बहुत ज़्यादा आबादी वाला नहीं है, बहुत डेवलप नहीं है। और ये अनुभव जब अर्पिता जी को हुआ तो उनका बेबी सिर्फ 11 महीने का था। अच्छा, एक बार क्या हुआ, उनके जीवन में एक उथल पुथल का समय आया, उस समय उनका बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, भयानक वाले उल्टी दस्त हो गए, कुछ हजम नहीं हो रहा था, माँ का दूध तक नहीं पी पा रहा था बच्चा, बच्चे की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। अब वो उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक बच्चे को दवाई दी गई लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, उसने वो मतलब इतने उसके बुरे हालात हो रहे थे कि वो कुछ खा पी पा नहीं रहा था और वो सो भी नहीं पा रहा था, उसके उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब एक तो होता ना कि पेट में कुछ है तो चलो वो बाहर निकल रहा है, खाली पानी पानी पीला सा और बलगम, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। अर्पिता जी का मन बहुत दुखी था, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी, बच्चे को संभालना, और बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो रहा था कि अर्पिता जी के अलावा किसी के पास नहीं जा रहा था। 3रे दिन भी बच्चे को कुछ फ़र्क नहीं था। 4थे दिन उन्होंने वेदांता हॉस्पिटल में दिखाने का निश्चय किया। वेदांता एक बहुत बड़ा और महंगा हॉस्पिटल है, उन्हें पता था कि हॉस्पिटल पहुँचते ही वो एडमिट के लिए कहेंगे, अब पैसे उनके पास थे नहीं, वो बेचारे करे तो करे क्या।
अर्पिता जी के हस्बैंड ने जो भी घर में थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह थी वो गिरवी रखकर कुछ पैसों का इंतजाम किया, पर वो बहुत कम पैसे थे। उन्हें पता था इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, पर इलाज करवाना तो था ही। बच्चे की हालत हर मिनट खराब हो रही थी, शक्ल ऐसी सूख गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कोई अनहोनी ही ना हो जाए, कहीं नन्ना लाला उन्हें छोड़कर ही ना चला जाए। मतलब इस हद तक, आप समझ सकते हो, इस हद तक बुरे हालात हो चुके थे। पिछले 4 दिनों से अर्पिता जी दिल से अपने कान्हा, अपनी राधा प्यारी को पुकार रही थी, मदद के लिए बुला रही थी, पर जाने क्यों अब की बार तो राधा प्यारी और कान्हा ऐसे निष्ठुर होकर बैठे थे, और जाने क्यों ही शाम के समय बच्चे की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो लोग बुरी तरह घबरा गए। अर्पिता जी के हस्बैंड बोले कि अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चलते, बच्चे का इलाज तो शुरू हो ही जाएगा, मैं पैसे का इंतज़ाम बाद में धीरे धीरे कर लूँगा। अर्पिता जी ने जल्दी से बैग लगाए क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहे थे, तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत हो रही थी। दूसरी तरफ उनके हस्बैंड बहुत परेशान कि पैसों का इंतज़ाम आखिर वो करेंगे कैसे। वो एक दुकान पर काम करते थे, मालिक ने थोड़ी बहुत मदद तो की थी पर खर्चा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने गिरवी, घर को गिरवी रखने का सोचा, और इसके अलावा वो कर ही क्या सकते थे, है ना, अब ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिर बच्चे का सवाल है। उन्होंने सोचा पहले बच्चे को एडमिट करा देता हूँ फिर देखता। अर्पिता जी और उनके हस्बैंड बच्चे को लेके चल दिए। बच्चा भट्टी जैसा तप रहा था। दोनों हाईवे पर बस स्टॉप पर बैठे हुए बस का इंतज़ार कर रहे थे और मन से बस अपने राधा कृष्ण को बुला रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। अचानक वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से व्यक्ति आए और उन्होंने अर्पिता जी के कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते हुए वो कहने लगे, क्यों चिंता करती हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ। मतलब वो होता है ना कि अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, कोई भूखा और कहे कि खाना दे दो तो बस बंदा उसी के पीछे चल देता है। अब उन दोनों का भी यही हाल। उन बुज़ुर्ग के शब्द सुनकर अर्पिता जी और उनके पति देव कुछ भी बोल नहीं सके। मतलब उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज ही हो गए हैं। वो बुज़ुर्ग आगे आगे चलने लगे और वो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। पूरा रास्ता वो बुज़ुर्ग कुछ भी नहीं बोले, बस चुपचाप आगे चलते रहे और वो दोनों बिल्कुल एक डॉल की तरह उनके पीछे 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 चल रहे थे। एक रास्ते से निकल कर दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते, चलते चलते वो एक जगह पे पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे। एक घर की तरफ इशारा करते हुए उन बुज़ुर्ग ने उन्हें अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर अर्पिता जी ने देखा वहाँ एक बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह रखा हुआ था। बड़ा प्यारा सा मंदिर बना हुआ था और बहुत सुंदर सजा हुआ था। वो जगह बहुत सुंदर थी, शांत थी, ऐसी जैसे बरसाना में होती है। पीछे रेडियो में राधे राधे नाम का भजन लगा हुआ था, बड़ा ही आनंद आ रहा था। उस जगह बहुत शांति, बहुत सुकून मिल रहा था। मतलब अर्पिता जी और उनके हस्बैंड जो इतने दिनों से इतने ज़्यादा परेशान थे, वो दोनों खुद भी सो तक भी नहीं सके थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं उनको सुकून मिला है, है ना, और ऐसा जैसे वो वृंदावन में हो। तभी अंदर से एक माता जी बाहर आए। उन्होंने अर्पिता जी के गोद से बालक को ले लिया और बोली, बालक की तरफ देखते हुए बालक को प्यार से उसके गाल पे हाथ लगाया और बोला, क्योरी खाता क्यों नहीं है, क्यों परेशान करता है अपनी मैया को। अब ये बोलकर उस स्त्री की बात सुनकर अर्पिता जी एकदम रो पड़ी और बोली, माँ मेरे लाला की रक्षा कर दो, 4 दिन से इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मेरा दूध भी नहीं पी रहा है, आप इस पर कृपा करो माँ, कृपा करो। अब वो जो माता जी थी उनके चेहरे पर ऐसा तेज था, मुखमंडल ऐसा चमक रहा था और एक अलग ही ओज होता है ना जैसे बंदे का सत्य पता चलता है, बिल्कुल वैसा। माता जी ने चरणामृत की एक छोटी सी लुटिया निकाली, उसमें से चरणामृत छोटी सी चम्मच के अंदर लेकर बालक को स्वयं अपने हाथों से पिलाया। इसके बाद वापस अर्पिता जी को बच्चे को देते हुए बोली, ले अब इसे खिला दे, ये खा भी लेगा और चिंता की कोई बात नहीं है। अर्पिता जी को कुछ यकीन सा नहीं हुआ, मतलब हुआ ही क्या, बस चरणामृत पिलाया, इससे क्या होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो वही एक तरफ बैठ गई और बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। मतलब समझो जो बच्चा पिछले 4 दिन से दूध पकड़ भी नहीं रहा था वो आराम से गटगट गटगट करके पी रहा। अब बालक के चेहरे पर भी
मतलब साफ फर्क दिख रहा था, मतलब ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। जो बालक अभी ऐसा मुरझाया हुआ, ऐसा फीका लग रहा था, मन में अनहोनी की संभावना लग रही थी, मतलब किस हद तक वो बीमार था, और अब वो मुस्कुरा रहा था, मतलब अचानक ऐसे कुछ ही पलों में वो आराम से सो भी गया। जहाँ बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, पिताजी के अलावा पापा की गोद में भी नहीं जा रहा था, पहले तो आराम से माता जी के पास ही चला गया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्पिता जी कहती है, मैं उस चमत्कार को बता नहीं सकती क्योंकि पिछले 4 दिन से बालक का रो रो कर बुरा हाल था और वो इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि अर्पिता जी के सिवा वो अपने पापा के पास, अपनी दादी के पास, किसी के पास भी नहीं जा रहा था। और अब अचानक बस यूं ही आराम से दूध भी पी लिया, सो भी गया। बालक के सोने के बाद वो जो माता जी थी वो बोली, तुम घर चले जाओ, इस बालक को कुछ भी नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी चिंता मत करो। रात बहुत गहरा चुरकी थी। अर्पिता जी और उनके हस्बैंड वहाँ से निकले। रास्ते में हस्बैंड बोले कि वाकई ये तो कोई चमत्कार ही था, वरना देखो गोलू कैसे आराम से उस स्त्री के पास चला गया और उनके हाथ से जल भी पी लिया। वो लोग मन ही मन कान्हा को धन्यवाद देते हुए घर पहुँचे। घर पर उनकी सासू माँ उनका इंतज़ार कर रही थी। बालक को शांति से गोद में देखकर सासू माँ को तो एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे बालक के प्राण निकल गए हों, क्योंकि हर किसी के मन में यही आशंका हो रही थी। घर पहुंचकर अर्पिता जी ने बच्चे को सासू माँ की गोद में दिया। सासू माँ को सासू माँ ने देखा ना, जैसे बच्चा क्योंकि 4 दिन से इतना रो रहा था, 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं रहा था, और अब बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है, तो मतलब वो उनकी सासू माँ का लग रहा था कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्हें अंदर से एकदम रोना आया और वो ज़ोर से बोली, मेरे घर का चिराग। बस वो इतना ही बोली थी कि एकदम अर्पिता जी बोली, माँ गोलू बिल्कुल सही है और सो रहा है। सासू माँ बोली, जब से तुम लोग गए हो तब से पूरे गांव में यही चर्चा हो रही थी कि बालक का बचना बहुत कठिन है, बच नहीं पाएगा, इसलिए गांव के लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। सासू माँ की बातें सुनकर अर्पिता जी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर उनके मन में संतोष था कि अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सुबह बच्चा आराम से उठा, आराम से खाना खाया, अब उल्टी या दस्त बिल्कुल भी नहीं थी, वो धीरे धीरे चल भी पा रहा था। देवरानी जेठानी अर्पिता जी से मिलने आई और बोली, बालक ठीक है? अर्पिता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब वो स्त्रियां जो आई थी सारी के सारी कहने लगी कि हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी, पता नहीं बालक बचेगा या नहीं बच पाएगा। अर्पिता जी ने कहा, मेरे मन में भी यही ख्याल था, लेकिन मेरे राधा कृष्ण की कृपा का चमत्कार मेरे साथ हुआ। और ये कहकर अर्पिता जी ने जो भी हुआ था उन्हें सारी बातें बता दी। अब सब की सब बड़ी हैरान थी, सब उस जगह के दर्शन करना चाहते थे, उन माता जी से मिलना चाहते थे। लोगों ने कहा कि कुछ दिनों के बाद हम वहाँ पर चल लेंगे। अब 2-3 दिन में बालक तो एकदम ऐसे स्वस्थ जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 दिन के बाद अर्पिता जी गांव की जो अन्य स्त्रियां थीं उनको साथ लेके उस जगह के लिए गई, क्योंकि वो दिल से उन माता जी को धन्यवाद कहना चाहती थी। मिठाई फल आदि भेंट सामग्री भी ली। सब लोग उस जगह पहुंचे, पर आज वो स्थान था ही नहीं, ना वो गलियां थी, ना वो शहर था, ना वहाँ उस प्रकार का मोहल्ला था, ना कोई वहाँ पर दरबार सजा हुआ था, ना वो घर था, ना वो स्त्री, ना पुरुष, मतलब वो बुज़ुर्ग, कुछ भी नहीं। अर्पिता जी आसपास के लोगों से पूछ रही थी कि 10 दिन पहले यहाँ पर घर में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ था, और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे यहाँ गाँव के किसी घर में ऐसे कोई मंदिर नहीं बना हुआ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर एक मंदिर है, वहाँ पर दरबार सजा हुआ हो सकता है। अर्पिता जी कह रही थी कि नहीं, मैं उस रात को यहीं पे आई थी, और अन्य लोगों से पूछे जा रही थी पर कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, अर्पिता जी ने पूरे रास्ते की थोड़ी निशानियां बना रखी थी कि उधर से उधर जाएंगे, और होता है ना हमें वो छोटी छोटी निशानियां दिखती हैं, वो बड़ा सा पत्थर जिसके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो वहाँ पे कोई पोस्टर जो आधा फटा हुआ है, तो इन सब निशानियों को देख देख कर ही अर्पिता जी वहाँ तक पहुँची थी। पर उस दिन वहाँ कुछ भी नहीं उनको दिखा, और वहाँ पे उन्होंने जब घर से बाहर निकले थे, क्योंकि वापसी में तो उनके हस्बैंड और वो ही थे, तो वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया था, और उन्होंने उसी पत्थर की निशानी बनाई थी कि इसी पत्थर से हम निशान, बट वो पत्थर वहाँ
वहाँ था, बट आसपास वो घर, वो आंगन, वो कुछ भी नहीं था। अर्पिता जी के साथ आई अन्य स्त्रियों को ऐसा लगा जैसे अर्पिता जी झूठ बोल रही हैं। खैर, सब घर वापस आ गए। घर आकर अर्पिता जी ने सबके सामने अपने पतिदेव से कहा कि आज वहाँ वो उस घर पर गए थे पर वो वहाँ नहीं था। और उनके पतिदेव एकदम बोले, क्या घर नहीं था? अभी कुछ दिन पहले हम दोनों खुद गए थे। अर्पिता जी के पतिदेव बड़े हैरान थे। दूसरे दिन वो भी उस स्थान पर होकर आए, लेकिन उन्हें भी वहाँ कुछ जैसे उन्होंने उस रात देखा था वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब वो लौट कर आए तब उनकी आंखों में आंसू थे, लिटरली वाले आंसू, और वो कह रहे थे कि ये सब हमारे राधा कृष्ण की ही कृपा का प्रसाद है जो उन्होंने हमें सुकून और चैन देने के लिए उस रात उस नगरी का पूरी उसका ही इंतज़ाम कर दिया था। हमारे बिहारी जी स्वयं उस रात्रि को चमत्कार दिखाने आए थे। उन्होंने स्वयं उस रूप में हमारे बालक की रक्षा की थी, वरना बताओ आप बस स्टॉप पे भी उस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि इनका बच्चा बीमार था, है ना? और अचानक से वो बोल रहे कि चलो मेरे साथ इलाज करवाओ। और उनके मुखमंडल पे भी कुछ तेज था, कुछ बात थी, तभी दोनों पति पत्नी इस तरह हॉस्पिटल जाने की जगह उनके पीछे पीछे चल दिए। पति देव की बातें सुनकर अर्पिता जी अपने राधा कृष्ण को दिल से धन्यवाद कह रही थी। कई लोगों को बाद में भी उन पर यकीन नहीं था, उन्हें लग रहा था कि जैसे ये कोई एक उनके सपने में घटना हुई थी जिसे वो साक्षात मानकर सबको बता रहे हैं, बट ये कोई सपने में घटित घटना नहीं है, ये साक्षात अनुभव है। इस बात पर कोई यकीन करे या ना करे, अर्पिता जी और उनके हस्बैंड को इस बात का विश्वास है कि उन्होंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया था। अच्छा, सपना भी होता तो एक जने का होता, दोनों जनों को सेम सपना थोड़ा ना आएगा, खुद सोचो। और बच्चा तो बीमार था ना, वो तो पूरे गांव ने देखा था, तो अगर उन दोनों का सपना था भी तो बच्चा कैसे ठीक हो गया? सोचने वाली बात है। मानो मत मानो, ये कृष्ण कृपा का प्रमाण है। रही बात उस जगह की, तो वो जगह मेरे राधा कृष्ण की माया थी जो कान्हा ने अर्पिता जी के लिए बनाई होगी, और काम होने के बाद कान्हा ने अपनी माया समेट ली, है ना? अब कई लोगों को लगेगा कि कान्हा बच्चे को घर में भी तो ठीक कर सकते थे, ये लीला करी ही क्यों? तो देखो समझो, अर्पिता जी के भाग्य में कष्ट झेलना लिखा था। अगर ये घटना नहीं होती तो उनका प्रबंध पूरा नहीं होता, कटता नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, वृंदावन में बैठे मेरे बिहारी जी सबकी बिगड़ी बनाते हैं, ना कर चिंता परिवार की ना कारोबार की, सब देने वाला ये है, बैठे बैठे सारे काम यूं बन जाते हैं, जो ना सोचा कभी वो भी ये कर जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के विश्वास और कान्हा की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।